नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा आज ही एक महत्वपूर्ण सूचना आई है शिक्षणान बीपीएससी प्री को लेकर के, कि इसका जो विज्ञापन है इसके तहत में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रक्रिया है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस विज्ञापन हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन जो होगा वो OTR सिस्टम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम से होगा। ये आप देखेंगे, इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिख भी रहा है कि OTR सिस्टम यहाँ से अब लागू हो रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही JPSC के चेयरमैन ने जो है उन्होंने इसके बारे में पहले ही से आपको हिंट दे दिया था कि OTR सिस्टम BPSC के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये OTR सिस्टम है तो इसके बारे में आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ। OTR सिस्टम ऑलरेडी UPSC और UPPCS में अभी 2023 में ही OTR सिस्टम को चालू किया गया है। ये क्या होता है, एक्चुअली ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसके तहत BPSC के तहत जितने भी एग्जामिनेशन लिए जाने वाले हैं उसका एक बार आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप एक बार कर लेंगे और वो रजिस्ट्रेशन आपका सब पर लागू होगा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं। बेनिफिट्स ये हो जाता है कि कुछ अभी तक जैसे अन्य स्टेट्स में देखा जा रहा है कि पेमेंट एक बार ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में तो वो पेमेंट सब सारे वैकेंसीज पर अप्लीकेबल हो जाते हैं, तो अभ्यर्थियों को बार बार पेमेंट करने का आपको झंझट खत्म हो जाता है और आपका डेटा क्योंकि प्लेटफॉर्म पे सेव जो वेबसाइट होता है या BPSC का जो पोर्टल होता है उस पर सेव हो जाता है, तो आपको बार बार अपने बारे में डिटेल डेटा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ऐसा होता ही है कि जो अभ्यर्थी का जो जैसे कोई फॉर्म आता है तो अभ्यर्थी उस पर फॉर्म फिलअप करने लगते हैं, उनका उसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है और कभी कभी ऐसा आता है सर्वर डाउन हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा सा समस्या आ जाता है। ये OTR सिस्टम लागू हो जाने से क्योंकि आपका डेटा पोर्टल पे सेव रहेगा तो आपको बेसिक और जो मिनिमम जानकारी ही होंगी या फिर उस एग्जाम से रिलेटेड जो मिनिमम क्राइटेरिया वो बस उतनी ही भरने की आवश्यकता होगी। अभी तक जहाँ तक ये इस प्रकार की प्रक्रिया में होता है। हाँ, कुछ लॉसेस भी है कि अगर मान लीजिए एक साल के दौरान अगर 2023 में अगर OTR सिस्टम लागू है तो इस साल के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी OTR सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो हो सकता है वो इस साल तक में जितने भी आपको फॉर्म होंगे उसको वो अप्लाई करने में एलिजिबल नहीं हो, या फिर उसका चूंकि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो इसलिए वो फॉर्म फिलअप भी आगे नहीं कर पाए। तो कुछ लॉस है, कुछ बेनिफिट्स भी है। हालांकि आयोग किस प्रकार की जो प्रक्रिया को एप्लीकेबल करेगा, लागू करेगा, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अदर स्टेट में जो OTR सिस्टम चल रहा है जैसे UPPCS वगैरह में, तो उसको थोड़ी बहुत मैं उसकी जो जानकारी ले पाई हूँ उसको मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसके बारे में और डिटेल से मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में बताएं, क्योंकि ये आज ही नोटिफिकेशन आया और कुछ दिन पहले हालांकि जो चेयरमैन सर थे उन्होंने जो बताया था अतुल प्रसाद जी ने कि OTR सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो वो सिस्टम के बारे में हम लोग संक्षेप में अभी बता रहे हैं। डिटेल्स में जो आयोग बताएगा कैसे सिस्टम को लागू किया जाएगा उसके तहत आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। हमारे द्वारा शिक्षण BPSC ब्रेक के क्लासेस जो है वो मंगलवार से स्टार्ट कर दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी क्लासेस करना चाहते हैं मिनिमम फीस में आपको ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और डॉक क्लियरिंग क्लासेस भी दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी क्लासेस के लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, बाकी डिटेल्स मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू।